गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज मनीषा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज धनतेरस और छोटी दिवाली है। हम लोग अपने घर के जो काफ़ी नज़दीक मार्केट है पालम, उसमें शॉपिंग करने आए हैं। मेरे घर के साथ महावीर इनक्लेव का मार्केट है, तो वो मैंने आप लोगों को पहले दिखाया था। वहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें ज़्यादा नहीं मिलती हैं, यहाँ पे छोटी बड़ी सारी चीज़ें इकट्ठी मिल जाती हैं। और ये काफ़ी बड़ी मार्केट है और बहुत ही पुरानी है। मार्केट में चारों तरफ दिवाली की रौनक दिखाई दे रही है। काफ़ी भीड़ भाड़ भी है, लेकिन जैसा लास्ट ईयर या उससे पहले हुआ करता था वो नहीं है। दुकानें खाली खाली दिख रही हैं। कोरोना का काफ़ी असर दिवाली पे भी दिख रहा है। लक्ष्मी गणेश जी की मिट्टी वाली जो मूर्ति आती है ना, वही देख रहे थे हम लोग, लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़ा के बोल रहे थे। फिर हम लोग आगे बढ़ के दूसरी जगह देखेंगे। कुछ कुछ सामान लेती जाती हूँ, नहीं तो आगे भीड़ काफ़ी है, फिर ले नहीं पाऊँगी। यहाँ पे मैं मिट्टी वाली दिया ले लेती हूँ। यहाँ पे मैंने दो तीन रंगोली लिया और शुभ दीपावली स्टिकर जैसी जो शुभ लाभ वगैरह होती है वही सब मैंने लिया यहाँ से। ये ऐसे कागज में जैसे चरण है, ऐसे साथिया है ये है ना, ऐसे करके कोई बना लेंगे, छोटे ले होता उसको टेस्ट करके बना देंगे। चार्ट पर बनाना तो है, इस साइज का ठीक है, हैं? तो एक ले लेते हैं, हम बना लेंगे इसको ट्रेस करके। बाजार में काफ़ी भीड़ भाड़ है, लेकिन दूसरे साल की अपेक्षा बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ फेस्टिवल में नहीं दूसरे दिन भी बहुत भीड़ रहती है। काफ़ी बड़ा मार्केट है और आपको सामान भी बहुत अच्छा मिल जाता है, सभी तरह की चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे। सब में कुछ है, मैं आ गई हूँ साड़ी की शॉप पे। बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ हैं, मैंने इसमें से एक साड़ी ली। बहुत बड़ी शॉप है, मैं जहाँ पे बना पा रही हूँ वीडियो वहाँ का बना के आप लोगों को दिखा रही हूँ। और ये है मेन रोड जहाँ से हम लोग इस मार्केट में इंटर करते हैं। अभी मैंने आप लोगों को जो दिखाया वो बैक साइड से दिखाया था, क्योंकि इधर पार्किंग नहीं मिली थी हमें, तो स्टेशन पे जाके हमने पार्क किया और फिर पीछे से अंदर की तरफ आए थे। रोड के दोनों साइड मार्केट है और काफ़ी पीछे अंदर अंदर तक मार्केट गई हुई है। हमने काफ़ी सारी शॉपिंग कर ली है, मैंने उतना दिखाया नहीं, क्योंकि जहाँ पे दिखाने लगती हूँ तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, भीड़ बढ़ जाती है और लोग सामान लेने लगते हैं। फिर मुझे जहाँ जहाँ हो पाता है वहाँ का मैं वीडियो लेके आप लोगों को दिखा रही हूँ। इस मार्केट की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे आपको छोटी छोटी दुकानें भी मिलेंगी, जैसे कि रोड साइड पे लगाते हैं वो भी मिल जाएगी, और बड़े बड़े डेकोरेटिव आइटम के या कपड़े के शोरूम, इस तरह के भी सामान आप लेना चाहते हैं तो बहुत आसानी से मिल जाएगा। इस बार इन लोगों ने दिवाली के सारे आइटम, डेकोरेटिव आइटम या दिवाली की जितनी भी चीज़ें होती है, तो उसमें रेट काफ़ी बढ़ा के रखा है, क्योंकि कोरोना के टाइम में सभी लोग बहुत दिनों से बैठे हुए थे, तो मुझे लगता है इस वजह से भी हो सकता है।
बट वैसे आप इस मार्केट की बात करो तो यहाँ पे रेट भी बहुत ठीक ठाक लगाते हैं। अच्छे अच्छे शोरूम में जाओ तो वो अपने हिसाब से लगाते हैं, छोटी दुकान पे अपने हिसाब से लगाते हैं, हर एक तरह का सामान आपको और ठीक ठाक रेट में भी मिल जाता है। इस बार दिवाली लेट हो रही है, सुबह शाम की ठंड भी बढ़ गई। अभी तो मार्केट में बिल्कुल भी ठंड नहीं है, लेकिन है मॉर्निंग के टाइम में लगती है ठंड, इसलिए मार्केट में उलन के आइटम भी बहुत ज़्यादा हैं। लास्ट ईयर मैंने ऐसा नहीं देखा था। दिवाली हो जाती है उसके कुछ दिन के बाद धीरे धीरे स्वेटर कार्डिगन जैकेट ये सब आने लगते हैं, लेकिन इस बार पहले से ही यहाँ मैं ड्रेस देखने गई थी लेकिन मुझे पसंद नहीं आया। जो पसंद आया तो उसका बहुत ज़्यादा प्राइस बोल रहे थे, वो नहीं है। यहाँ पे हमने लक्ष्मी जी का एक आसन लिया, चुंदरी ली, माला लिया। माला मैंने पहले भी लिया था, बहुत सारा इकट्ठे लेके आई थी वहाँ से, लेकिन ये छोटी सी माला है, जितनी छोटी मूर्ति है ना तो उसके हिसाब से माला है। और दूसरे साइड में फ़ोन के तीन चार बड़े बड़े शॉप हैं, तो वहाँ पे इन लोगों ने काफ़ी डेकोरेशन करके रखा है दिवाली का, और कई तरह का ऑफर दे रहे हैं। बड़े बड़े स्टॉल लगे हैं लेकिन लास्ट ईयर की तरह भीड़ नहीं है, है लोग बहुत हैं लेकिन जितनी ज़्यादा इस मार्केट में भीड़ होती थी वो नहीं है। इस तरह से हमारी शॉपिंग हो गई है, अब हम लोग वापस घर की तरफ जा रहे हैं। आधी शॉपिंग हमने की, आधी बाकी रह गई। फिर लेट होने लगा तो अभय ने बोला कि आज चलते हैं, फिर मैं कल अकेले आके और जो भी बचा हुआ सामान है वो लेके जाऊंगा। आज जिन चीज़ों की ज़रूरत थी तो उतना हमने ले लिया है, कल फल फूल मिठाइयाँ ये सारी चीज़ें कल भी ले सकते हैं। मैंने कई जगह पे कोशिश भी की लेकिन वीडियो बना नहीं पाई क्योंकि सामान भी लेना था और लोग भी इकट्ठे हो जा रहे थे। अब हम लोग घर के काफ़ी नज़दीक पहुंच चुके हैं। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को पालम का मार्केट दिखाने की कोशिश की, जहां हम लोग हमेशा जाते हैं और घर की ज़रूरत की सारी चीज़ें वहीं से लाते हैं। शायद आज अच्छे से नहीं पता चला होगा क्योंकि दिवाली की भीड़ भाड़ थी। जब सारा फेस्टिवल ख़त्म हो जाएगा, कोरोना का टाइम भी ख़त्म होगा, लोग जाने आने लगेंगे, तो फिर से मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। हम लोग घर पहुंच चुके हैं, आज के लिए बस इतना ही। आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म कर दूंगी क्योंकि घर पहुंचते ही बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा। कल दिवाली है तो हम सभी एक साथ मिलके दिवाली मनाते हैं। आप सभी को हैप्पी दिवाली।